जो हमें लग भी रहा है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक की अंडर परफॉर्मेंस खत्म, साथ में इंडसइंड, आईसीआईसीआई, सारे प्राइवेट बैंक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो बैंक्स में तेजी है और बाकी इंडेक्स पे साइडवेज, स्टॉक स्पेसिफिक रही है। कल आपको दो कई दिनों से अशोक लीलैंड कह रहा हूं, कल उसने नया हाई मारा है। और एचडीएफसी बैंक, वो भी मैंने अपग्रेड कर दिया 1620 का टारगेट। मेरा तीसरा आइडिया था अशोक लीलैंड के साथ एबी कैपिटल, वो मैं 265 के लिए अभी भी टारगेट बरकरार है। और बाकी आपको जो इंडिया बुल रियल एस्टेट आइडिया का है, वो मेरे लॉन्ग टर्म बेट है। हाँ, कोफोर्ज आपको 44, 46, 47, 48 पे कहा, 5300 बिक गया, इसे कहते हैं कॉल, तो प्रॉफिट लीजिए। आईटी के शेयरों में मंदी ज्यादा आएगी थी, अब बुल बैक है, टीसीएस यहाँ पे आउट परफॉर्म कर सकता है। आज आपके लिए तीन पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल बताइए भसीन साहब, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल बताइए सर। तो डिम्पी जी, सबसे पहले ग्रासिम लीजिए। देखिए, फ्लैगशिप कंपनी ग्रासिम है एबी ग्रुप की, और आउट परफॉर्मर है सारे बिजनेसेस, होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट बहुत बहुत बढ़िया प्ले पे है। वीएसएफ और जो उसका बाकी बिजनेसेस है, स्पेशलिटी केमिकल बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ग्रासिम 2550 का टारगेट है, 2335 का स्टॉप लॉस। दूसरा पिक है एसबीआई लाइफ। अगर किसी को बेनिफिट मिलेगा बजट में, तो इंश्योरेंस कंपनीज को, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, मुझे एसबीआई लाइफ प्राइवेट में बहुत पसंद है। आउट परफॉर्मर है, ग्रॉस नेट वैल्यू एडिशन और जो बिजनेस प्रोस्पेक्ट है सबसे बढ़िया है। 1500 का टारगेट है, 1375 का स्टॉप लॉस। और लास्ट मुझे जीएमआर, जीएमआर के नंबर कल आए, नंबर अच्छे आएंगे, लेकिन जिस तरह से उतने उन्होंने डीमर्ज करके एरो सिटी और बाकी बिजनेसेस में रोबस्टनेस है, मुझे लगता है 95 का पहला टारगेट, और 100 भी चले जाए कोई दो राय नहीं है। एज ए डिस्क्लोजर, ये 35-40 रुपए से हमारे कोर पोर्टफोलियो में है, इसको हम बेचेंगे नहीं, लेकिन अभी मुझे 95 का टारगेट है, 86 का स्टॉप लॉस।